नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है कि कल जो है शिफ्ट टू में 23 जुलाई को रीट का एग्ज़ाम हुआ, और उसमें जो है एसएसटी वालों के लिए भी और साइंस मैथ वालों के लिए भी हुआ। तो हम आज बिना समय गवाए रीट लेवल टू जो है उसमें मैथ्स के पेपर के जो जितने भी 20 के 20 क्वेश्चन आए हैं उनके सॉल्यूशन देखते हैं, और थोड़ा यूनिक तरीके से ही देखेंगे क्योंकि अपना जो तरीका है वो यूनिक ही रहता है, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन जो था, आप चेक कर सकते हो यहाँ से अपनी आंसर की मिलान कर सकते हो। पहला क्वेश्चन आया था अपने रीट में ये वाला, √3 की पावर 5, 9 की पावर 2, 3 की पावर x इंटू 3√3। इसमें पूछा था x का मान क्या है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 1√3 से 1√3 कट गया, ठीक है। अब √3 की पावर 4 बच गई, √3 की पावर 4 मतलब 3 की पावर 2 बच गई। फिर यहाँ ये 3 की पावर 2 लिखोगे तो ये 3 की पावर 4 हो जाएगी, और ये 3 की पावर 1 और 3 की पावर x, तो ये हो जाएगा 3 की पावर x+1। घाते समान है, ये घाते जुड़ जाएगी, 4 + 2 6 हो जाएगा, x+1, x का वैल्यू 5। तो यहाँ से पहला जो है अपने क्वेश्चन का आंसर ये होता है 5। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में देखिए ये पूछा था x-1/x, इसका वैल्यू 8 है, तो अपन को पूछना था x² + इसका वैल्यू। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है k² + 2, k² + 2, ठीक है, k² + 2। ये जो इसको मैंने k मान लिया तो k की जगह 8 रख लो, 8 का स्क्वायर प्लस 2, 64 + 2, 66 आंसर है इसका। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है अपने पास में, इसके फैक्टराइज करने थे, इसके फैक्टराइज करने थे। तो कोई नहीं, आपको 9th क्लास में एक फॉर्मूला पता होगा, a² - b, a+b और a-b। ये x² का भी स्क्वायर है, तो एक बार इसको ऐसे लिख दो और एक बार इसको ऐसे लिख दो, a² - b² बना। तो x² + x - y का होल स्क्वायर, एक बार इस प्रकार से लिख दो, x² - x - y का होल स्क्वायर। अब दोनों साइड अपने जो होल स्क्वायर इसको ओपन कर दो, तो x² + x² - 2xy +y² एक ये आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x² - x² - y² +2xy, ये आ जाएगा। x² से x² कट गया, यहाँ से मैंने y कॉमन ले लिया, तो वहाँ बचा 2x - y और यहाँ बचा 2x² + y² - 2xy, ये इसका आंसर, ठीक है। तो देखिए जल्दी जल्दी निपटा सकते हो आप इन क्वेश्चनों को, कोई ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं था, बहुत ही इजी आया था, एकदम क्या बोले इसको, चिंदी क्वेश्चन, बहुत ही चिंदी से क्वेश्चन थे। लगता है बायोलॉजी वालों के भी दिन निकल गया आज, तो उनके भी पेपर बहुत ईजी था, बहुत ईजी। दूसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन में था कि यदि दो संख्याओं का योग 22 है एवं उनके वर्गों का योग 404 है, तब उन संख्याओं के गुणनफल क्या होगा। ये पूछा था, माना कि एक संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है, इसका योग ये पूछा था, और दूसरा पूछा था कि इसके स्क्वायर का योग, इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर का जो योग है वो 404 है। तो कुछ नहीं, आपको a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, लगा दो, यही तो होता है, +2ab। हमको सिर्फ ए बी पूछा है, a+b 22 का स्क्वायर, ये 404 दे रखा है, कितना हो गया 484, ये 404 बचा, तो ये कितना बचा 80, और 2ab, तो ab का वैल्यू कितना आया, ab का वैल्यू 40 आ गया। देखिए ये कोई क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन ये पूछा है कि 1800 में, ये जो 1800 है इसमें किस संख्या का मैं मल्टीप्लाई करूं, इसमें किस संख्या का मैं मल्टीप्लाई करूं जिससे कि वह पूर्ण क्यूब बने, मतलब कि इसका घन निकल सके, किस संख्या का गुणा करना है, और जो जिस संख्या का हम गुणा कर रहे हैं उसके अंकों का योग क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप इसका फैक्टराइज कर दिए, फैक्टराइज करोगे तो इसमें कितना आएगा, 900,
इसका भाग दोगे तो कितना आएगा 450, फिर दो का भाग दोगे तो कितना आएगा 225, फिर तीन का भाग दोगे तो कितना आएगा 75, फिर तीन का भाग दोगे तो कितना आएगा 25, फिर पाँच का भाग, फिर पाँच का भाग, पाँच का भाग। अब मुझे बताइए कि ये तो बन गया, देखिए आठ, आठ तो किसी भी संख्या का क्यूब होता ही है, दो का क्यूब होता है। यहाँ पर देखिए ये वर्ग बन गया, ये भी वर्ग बन गया। अब इसको क्यूब बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक तीन का और गुणा करना पड़ेगा और एक पाँच का और गुणा करना पड़ेगा। तो याद देखिए, तीन तीन हो गए तो एक तीन बार आ जाएगा, पाँच तीन हो गए तो एक तीन एक पाँच बार आ जाएगा। इसका मतलब मुझे गुणा किसका करना है, सर तीन गुणा पाँच यानी पंद्रह का गुणा करना है। तो इस पंद्रह के अंकों का योग कितना है, पाँच और एक छः, तो छः इसका आंसर। तो बहुत ही चिंदी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन फाइव देखिए, यही मैं करवा लेता हूँ। क्वेश्चन फाइव, क्वेश्चन फाइव पूछा है कि यदि कोई धन जो है साधारण ब्याज पर 1/4 वर्ष में अपने ही धन का मतलब अपने का 40/41/40 हो जाता है तो वार्षिक दर बतानी है अपन को, रेट ज्ञात करना है। और पूछा है कि साधारण ब्याज जो है 1/4 में अपने ही धन का 41/40 हो जाता है, मतलब पहले जो मूलधन था वो 40 था, फिर अमाउंट कितना हो गया 41, तो ब्याज मुझे कितना मिला बताइए, 40 के कितने ब्याज मिला, एक। तो ऐसा ही का फॉर्मूला लगा दीजिए, P×R×T/100। ऐसा ही कितना है, मुझे ब्याज एक रुपये मिला है, धन कितना है 40, आर कितना है, ये रेट कितनी है 1/4, ये 100, चार के टेबल से ये 10 बार, 10 के टेबल से ये 10 बार, तो आर कितना आ गया 10%। देखिए ये क्वेश्चन थे बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, कोई हार्ड नहीं है, मैं कह रहा हूँ पेपर बहुत इजी आए हैं और आज भी पेपर बहुत इजी आने की ही संभावना है। जो मैं करवा रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन सिक्स देखिए, क्वेश्चन सिक्स देखिए, इसमें पूछा है कि किस वर्ष 10% की दर से, रेट अपन को 10% दे रखा है और चक्रवर्ती ब्याज हैं जो कि है वो 2,000 रुपये से 2,420 हो जाएंगे। मतलब कि भाई आपको ऐसा बोला कि भाई आपके पास में 2,000 रुपये कितने और ये 2,420 हो जाएंगे, लेकिन आपको 10% रेट भी दे रखी है, लेकिन ब्याज कौन सा लग रहा है, चक्रवर्ती ब्याज लग रहा है। तो आपको पूछा है कि कितने वर्ष में ये 2,000 से 2,420 रुपये होंगे 10% की दर से। तो देखिए सब लोग तो ऐसे करेंगे, या तो कोई वो अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, 1+R/100 वाला फार्मूला लगाएंगे, या कोई ट्री मेथड लगाएगा, या कोई सक्सेसिव लगाएगा, अपने मेथड बिल्कुल डिफरेंट है। इस क्वेश्चन को करना है तो अपने को सबसे पहले देखिए यहाँ पर पी लिखा, यहाँ पर अमाउंट लिखा, पी का रेशियो कितना है 2,000, यहाँ कितना है ये 1 0 से 1 0 कटना, 2 के टेबल से 121, 2 के टेबल से ये 100 किसका स्कोर होता है 10 का, ये किसका स्कोर होता है 11 का। अपन को रेट कितनी दी हुई है, रेट 10% दी हुई है, इसका मतलब 1/10 दे रखा है, 10 से बढ़कर ये 11 हो गया, कितने साल में 2 साल में, यहाँ 2 दे रखा है, टाइम 2 है तो 2 साल आंसर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। सातवां, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है। अरे यार ये भी कोई क्वेश्चन है पूछने के, ये होता है आधार, ये होता है लंब, ये 90 डिग्री, इसके सामने की भुजा हाइपोटेनियस, तो कर्ण होगी ना सबसे बड़ी भुजा। इतने चिंदे क्वेश्चन पूछ रहे। क्वेश्चन आठवां देखिए, क्वेश्चन आठवां में पूछा है कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और यदि केंद्र से बाहर कोई स्थित पी बिंदु है जिसको मिलाने वाली रेखा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो पी बिंदु से उस वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई। यार एक भी कोई क्वेश्चन है, सीधे पूछ रहे NCERT में से, ये वृत्त है यहाँ से ये P बिंदु है बार, इसको मिलाने वाली रेखा ये P से O, ये 10 है और यहाँ से इस केंद्र पर, यहाँ से ये रेडियस हो जाएगी अपने 6 सेंटीमीटर। तो मुझे बताइए रेडियस और यहाँ से ये जो है ये इसकी स्पर्श रेखा हो जाएगी, ये इसकी स्पर्श रेखा हो जाएगी, यहाँ से ये इसकी स्पर्श हो जाएगी, मैंने P की कोई स्पर्श रेखा देख ली, स्पर्श रेखा पर टेंजेंट, स्पर्श रेखा ये स्पर्श रेखा और त्रिज्या इसके बीच में बड़ा कोण 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने कितना ये 10 है, यानी कि ये कर्ण हो गया, ये त्रिज्या आधार हो गई। तो अपने को पता है ट्रिपलेट बना देते 6 8 10 का, सीधा सा ट्रिपलेट बन रहा है 6 8 और 10, पाइथागोरस ट्रिपलेट लगता है 6 8 10, ये आधार, ये लंब, ये कर्ण दे रखा है, आधार भी दे रखा है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका, आंसर 8 था।
अब चाहे तो पाइथागोरस लगा भी कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट ट्रिपलेट या तो जल्दी कर सकते हो। तो 6, 8, 10, तो 8 इसका आंसर है। क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 9 दे रखा है, यदि समकोण त्रिभुज, ये एक समकोण है जिसमें आधार दे रखा है 8, ये 15 है, तो इसका परिमाप पूछा है। आपको एक और ट्रिपलेट बता देता हूँ, एक ट्रिपलेट 8 भी होता है, 8, 15 और 17, 8 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 17 के बराबर होता है। तो ये 8 तीनों भुजाएं आ गई, इन तीनों को जोड़ दो, 7 और 5 2, 2 और 8 10, मतलब 40, तो 40 इसका आंसर है। अब कोई क्या करना है, आप खुद सोचिए कितने इजी क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, मतलब अपन सोच भी नहीं सकते यार इतने इजी क्वेश्चन, मतलब जिनके लिए पेन चलाने की भी ज़रूरत ना पड़े। फिर देखिए 10वां क्वेश्चन, ये भी ठीक है, 20 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, इसके ये नोट दे रखे हैं, 3 नोट हैं, 20 रुपये के भी नोट है, 10 रुपये के भी नोट है, 5 रुपये के भी नोट है, इसके अनुपात दे दोगे। 20 रुपये का कितने अनुपात है, 3, फिर 4 और फिर 5, मतलब 20 रुपये का नोट 3 अनुपात में, 10 रुपये का नोट 4 अनुपात में, 5 रुपये का नोट 5 अनुपात में। तो मुझे बताइए कुल धन कितना हो गया अपने पास में, 20 + 60 + 40 + 25, टोटल कितना पैसा आ गया अपने पास में, 125 रुपये, और टोटल धन इन्होंने दे रखा है 1000, टोटल धन 1000 है अपने पास में, पैसे कितने आए 125, कितने, और इसने पूछा 5 रुपये का नोट कितने होंगे, तो 5 से गुना कर दो, 125 से 8 बार कट गया, 8 × 5 = 40। 11वां पूछा है कि मूल बिंदु के निर्देशांक, सबको पता होता है 0 0। क्वेश्चन 12वां पूछा है ये वाला, एक समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज है कि पी क्यू आर एस, यहाँ से ये लाइन खींच गई, ये कौन दे रखा है 2x, ये कौन दे रखा है 3x, ये कौन दे रखा है 5x। तो मुझे बता त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, अब ये देखिए समांतर, अब ये P और Q जो है ये आपस में समांतर रेखा है, जब P और Q आपस में समांतर रेखा है तो एकांतर कोण बराबर होंगे, तो ये 2x हो तो ये भी 2x, ये 3x हो तो ये भी 3x, तो ये भी 5x बचा। अब इन तीनों में देखो 2, 3, 5 कितने होते हैं 10x, टोटल त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री, तो x का मान कितना आया 18, x का मान 18 आया तो 5x का मान कितना आया 90, तो ये 90 तो ये भी 90, तो आंसर 90 हो जाएगा। देखिए 13वां सवाल, ये सब मैंने जो 5 वीडियो बताए ना, मेरे जो प्लेलिस्ट में जियोमेट्री के 5 वीडियो है, उस 5 वीडियो के पहले वीडियो में से ये 2-3 क्वेश्चन तो पूछ ले लो। देखो यूट्यूब पर कंटेंट कितना भी अच्छा डाल दो, व्यू तो आएंगे नहीं, तो फर्जी कंटेंट डालेंगे उन पे व्यू आ जाएंगे, भरे पड़े ऐसे फर्जी कंटेंट देखने के लिए लड़के, सही कंटेंट तो देखना नहीं है। ये दो समांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा काटे तो संगत कोण क्या होंगे, भाई ये होता है संगत कोण, ये इसके बराबर होता है, 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 तो संगत कोण तो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो ये बराबर वाला आंसर आ जाएगा। कितने ईजी पूछ रहे। 14वां क्वेश्चन है, एक पासे को, ये एक पासा है, एक पासा है अपने पास में, एक पासे को मैंने उछाला, तो एक पासे को उछालने पर 6 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, भाई मुझे बताइए पासे पर कितने होते हैं अंक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही अंक होते हैं ना। अब यहाँ पर 6 से बड़ा अंक 7 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसकी प्रायिकता 0 हो जाएगी। यार ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 15वां क्वेश्चन देखिए, यदि किसी भिन्न के अंश व हर का योग, यदि किसी भिन्न के अंश व हर का योग 55 है, चलिए तो वह भिन्न, तो वह भिन्न जो है वह 3/8 हो जाती है, तो यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, x 8x - 3y = 0, यह इसको उतार दीजिए, x + y = 55। अब यहाँ 3y है तो इसको 3 से गुना कर दीजिए, इसको 3 से गुना कर दिया तो ये हो जाएगा 165, यहाँ से ये घट गया, ये दोनों को जोड़ दो तो ये 11x हो जाएगा, ये 165 हो जाएगा, x का मान 15 आ जाएगा, जब x का मान 15 आ जाएगा अपने पास में तो y का मान 40 आ जाएगा, तो 15/40 ये ऑप्शन होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में कोई ऑप्शन ऐसा नहीं था जो 15/40 दे रखा था, इसलिए ये ऑप्शन गलत है, इनमें से आंसर कोई नहीं था इसका, ठीक है। 16वां है क्वेश्चन, 16वां दे रखा है कि 1, 2, 3, 4 --n,
इसका समांतर माध्य क्या होगा? तो इसका समांतर माध्य ज्ञात करने की शॉर्ट ट्रिक्स क्या होती है, पहले वाले को पहला लिखो, लास्ट वाले को लास्ट वाला लिखो, बीच में प्लस का निशान लगा के दो का भाग दे दो, ये इसका आंसर था। सत्रवा, पंचभुज के अंतकोणों का योग। देखिए पंचभुज के अंतकोणों का योग या तो आप सूत्र लगा के भी कर सकते हो, यहाँ आप थोड़ा अगर मान लो किसी को सूत्र भूल गए तो भी इसका आप कर सकते हो। तो सूत्र होता है ये वाला एन माइनस टू किसी भी बहुभुज के अंतकोणों का योग निकालने का फॉर्मूला। पंचभुज है इसका मतलब पांच भुजाएं दे रखी है, तो पांच माइनस दो इंटू 180 बराबर 540। लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं, मुझे बताइए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने डिग्री होता है, 180। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितने डिग्री होता है, 360। तो पंचभुज में कितना हो जाएगा, पंचभुज क्या बनता है, यही तो होता है पंचभुज। इसमें एक चतुर्भुज मिल रहा है और एक त्रिभुज मिल रहा है, 360 और 180 जोड़ दो 540। आठवां क्वेश्चन देखिए, अठारहवां क्वेश्चन बहुत ही चिंती, मतलब क्या इन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं, बहुत इजी मैथ्स का तो पेपर इतना सिंपल आया है। मतलब इन्होंने पूछा है कि सात वस्तुओं का विक्रम मूल्य, मतलब 7 × SP जो है 6 विक्रम मूल्य क्रम मूल्य के बराबर है। भाई सात वस्तुओं का विक्रम मूल्य 6 वस्तुओं के क्रम मूल्य के बराबर है, तो टोटल हानि प्रतिशत अपन को ज्ञात करना है। तो सीधा सा लिख लो 7 SP सेलिंग प्राइस बराबर है 6 CP, इसको इधर भेज दो, ये 6 हो गया, इसको इधर भेज दो। मुझे बताइए SP कम है CP ज़्यादा है, इसका मतलब हानि तो होगी, कितने की हानि हुई, 7 में से 6 गया, -1 की हानि हो गई। अब हमेशा जो है हानि लाभ वो सब कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, तो कॉस्ट प्राइस अपने पास 7 है, इसको 100 से गुना कर दो तो आंसर आ जाएगा 14/2.7% हानि। तो ये रीट का पेपर था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। एक और दो क्वेश्चन आए थे, एक आया था कि मतलब जो ये वर्ग वाले होते हैं, वर्ग में अंतराल जो होता है इसमें, तो ये अंतराल और ये अंतराल इसके बीच का ये क्या कहलाता है, ये वर्ग माप कहलाता है, स्क्वायर क्यूब कहलाता है। तो सिंपल क्वेश्चन आए हैं, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आए नहीं, तो इस पेपर से आपको मुझे लगता है आंसर की चेक करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। मैथ्स में तो सब 20 में से 20 मैंने बता दिए हैं, सभी क्वेश्चन सही हैं, ठीक है, और ज़्यादा टाइम नहीं लगाए। अब देखिए यूट्यूब पर फालतू वीडियो भी बहुत सारे डालते हैं कोई, रीट में कैसे नंबर लाए, एक दिन में कैसे तैयारी करेंगे, इस पर भरे भरे वीडियो पड़े, और इस पर व्यू भी आए 1 मिलियन 2 मिलियन ऐसे व्यू भी आएंगे। जब हम क्वेश्चन डालते कि पेपर सॉल्व करो, अपने मैंने जैसे वो जियोमेट्री की 5 प्लेलिस्ट डाली हुई है, उसको भी आप पढ़ लो, तो मुझे लगता है वीडियो मैथ्स में भी उस 5 वीडियो में से ही कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आ गए। लो देखो, तो कंटेंट पढ़ाने के लिए अच्छा कंटेंट है, लेकिन लोग देखेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि उनको तो फालतू की चीज़ें देखनी है, और मैं बोलता हूँ फालतू लोग ही बैठे हुए जो उन चीज़ों को देखते। अगर रियलिटी में आपको पढ़ना होता तो वो अच्छे चैनलों पे आते। तो अब आपका ये दायित्व है कि आप चैनल को कितना ग्रोथ करवाते हो। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, मेरा सॉल्यूशन मैं जैसे करवाता हूँ स्पीड में वगैरह, ऐसी स्पीड आपको चाहिए तो चैनल से जुड़िए, वरना जो मेथड आप NCERT में जो बुक सॉल्व करते हो एक्स मान के वगैरह, वही करते रहिए ज़िंदगी भर में, पेपर तो निकलने वाला है नहीं। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आगे और भी कोई भी पेपर होगा तो मैं जल्दी से जल्दी इस पर सॉल्यूशन करवाऊंगा, ठीक है, कोई भी X, Y, Z जितना जिसका भी पेपर होगा उसका।